कई बार मूवी तक कैच पकड़ ले बाला 29 मजा होता है। और गर्मी के दिन में अगर आइल बानी और गांव में आइल बानी अगर आम के स्वाद नहीं खिलेले यानी कुछ के स्वाद नहीं खिलेले दिक्कत रहेला कैसे कि कबो कबो गांव खेलानु चोपवा जब गिरेला तो आंखिया में पड़ जाला दाग हो जाला। और ये हमिशन के साथ छोटा ब्लॉगर का नाम है सिदान। सिदान बाबू गांव पे आइल बड़ा मजा होता है जा लेकिन रवि भैया बोलते हैं लालू यादव के भैंस आ गई और देखिए आम खाती है और वैसे आम खाई लगाता है। जो कच्चा आम भाई हमने के गांव के बगीचे में मिल सकेला भाई लोगों लगे शहर सिटी में ना मिल सकेला। बस गांव के आम के स्वाद बहुत ही तगड़ा होखेला कैसे हर प्रकार के आम होखेला देसी से लेके लंगड़ा। नमस्कार प्रणाम हम अमितेश कुमार सिंह फिर से आज हमने संगे नया ब्लॉग बनावल स्टार्ट कर ले बानी सन। तो अभी हम मौजूद बानी अपना ममहर में और देख सकते नहीं एजा के सामने वाला बगीचा बा ऐसा मामा लोग के हमारा बगीचा आटे और एजा आम तुड़ा रहा बटे। और गर्मी के दिन में अगर आइल बानी और गांव में आइल बानी अगर आम के स्वाद नहीं खिलेले यानी कुछ के स्वाद नहीं खिलेले। और गांव के मजा यही में बटे कि गांव के बगीचा में जाई या भर पेट आम खा के आई। शहर में वैसे तो सब लोग जाला तो 2-4 किलो आम खर दी और खूब बढ़िया पानी में डुबा के और बाद खा ली लेकिन हमनी के गांव में एजा खूब बढ़िया व्यवस्था तगड़ा करके एगो चढ़े वाला पेड़ पर चढ़ाए सन और ओकरा बाद से बैठ के आराम से आम खाए। देखे गई बाबू 2-4 गो बड़ा सन सब लोग एजा आके आम कैच पकड़ता लोग आम बड़ा से कैच पकड़ता रहो आई आए कई गो आम अभी तक कैच पकड़ ले 29 मजा होता है। ले जाके मौका कर बोलो सब जना घरे जाइए तू लोग बारी बारी से अपना अपना नाम बताओ लो तार का नाम है नंद अरुणेश पढ़े लो तू लोग क्या हमने क्लास में पढ़े लो तीसरा हाँ मजा होता आम बीन के गर्मी के दिन में आनी में आवे लोग आम उम बीन आवे लो देख लो के बचपन भी हमनियों के यही तरह गुजरल बा जौना प्रकार से बाबू सब आके बगीचा में अभी जैसे गर्मी में जब आंधी तूफान चलत हो ना तो लोग आके सबसे पहले एजा के चिमकिन लेके या कुछ भी झोला थैली लेके बगीचा में हमनी के तरह भागम सन जब भी आंधी चली उतरा ई बचपन के दौर आज हमनी सन के नैकी सन समय मिल पाती सब चीज़ के तो छोट छोट जन बच्चा बड़ा सन उ सब लोग के मिल सकता। और देख सकता तमाम जन लोग बटे सब हमार भाई सब एजा बा लो सब जरा मामा उमा के लड़का हो लो के मौसी के लड़का बटे और देख के अंकुश एते अंकुश 2 गो आम लेके आइल बटे का अंकुश का कहे के चाहता रह हम ये कहे के चाहतनी कि जौन आम रुआ लोग देखतनी रो लोग शहर आ सिटी में ना मिल सकेला जौन कच्चा आम बा हमनी के गांव के बगीचे में मिल सकेला भाई लोग के शहर सिटी में ना मिल सकेला। बस आई कच्चा गांव के मजा भाई कच्चा आम पका के खइला में जौन गाछ के आम पकल खइला में उ सिटी या शहर में मजा नहीं के। सही में बात सही बात बा कि जौन आम हमनी सन के घर के और पेड़ पे जौन पाकल आम मिली उ शहर में नहीं के मिल सकत अगर के मेन कारण बा कि शहर में केमिकल वाला मिली और एजा देसी मिली और देसी बड़ा तगड़ा होके देखिए दे भैया अदे ऊपर पेड़वा पर तू रहा बनी लोके वाला है जब 3-4 गो प्लेयर बढ़ल आ कैचो करे में बड़ा दिक्कत रहेला कैसे कि कबो कबो का खेला चोपुआ जब गिरेला तो आंखिया में पड़ जाला तो दाग हो जाला। और ये हमने सन के साथ छोटा ब्लॉगर का नाम है सिदान। सिदान बाबू गांव पे आइल बड़ा मजा होता है जा मजा होता है बगीचा में। छोटा बाबू ब्लॉग बनावेला ना का चैनल के नाम का है छोटा ब्लॉगर सिदान। ब्लॉग में कौन टाइप के वीडियो डाले कौन टाइप के वीडियो डाले पता नहीं के अभी बाबू छोटा बाबू उम्र कितना बैल तार उम्र भी पता नहीं के आम खा लो है बगीचा में कतना आम खा जलो कतना आम खा जलो 10 गोले आ डेली आवे लो बगीचा में का लेके आवे लो घरे आम बिन उन के लेके जाला कि ना ना लेके जाला देखे के गांव भी आज बहुत डेवलप कर गेल बाटे हर घर से लड़का आज डिजिटल के तरफ भागत रहन जौन वजह से गांव में भी ब्लॉगर हो रहा बड़न और बहुत बढ़िया के बात बा बहुत खुशी के बात बा कि आज गांव भी आगे बढ़ रहा बटे और कहीं ना कहीं जौन वजह से गांव के युवा भी इस सब चीज पे ध्यान देले बड़न जौन वजह से गांव भी तरक्की कर रहा बटे। और देखिए ऐजा मामा खूब बढ़िया और ऐजा रवि भैया बोलते हैं लालू यादव के भैंस आ गई और देखिए आम खाती है और वैसी आम खाई लगता है तो देख के बाकी सब एजा सब लोग बाटे और सब लोग बहुत ही मजा मस्ती के साथ आम भी तुड़ रहा बटे। और गांव के आम के स्वाद बहुत ही तगड़ा होखेला कैसे हर प्रकार के आम होखेला देसी से लेके लंगड़ा और किसिमभोग से लेके देसी हर प्रकार के आम होखेला एजा। और आम के कितना क्वालिटी होखेला रउआ सब लोग कमेंट करके बताएं कि कौन कौन नाम के आम होखेला कैसे कि गाँव में इतना नाम बटे कि रउआ सोच भी नहीं सकत ऐसे मार्केट में रउआ जाए तो खाली रउआ 3-4 गो जन आम बाड़ी सन उहे टाइप के आम मिली लेकिन बगीचा में आम रउआ तो रउआ अनेकों प्रकार के आम मिली अनेकों प्रकार के वेराइटी के लेके बीजू से लेके बड़ा आम तक मिली एजा। और सोनू मामा के हमारा आम बटे का जाना सोनू मामा हमारे विदेश से देखिए ना तो कमेंट जरूर रउआ कर दे ठीक बा और पेड़वा पास आके हमने के आम तुरंत नहीं सन
आ बगीचा में खास करके होखेला ना कि ज्यादातर चोरी से ही आम तोड़े सन, जहाँ पेड़ पर केहू के आम पकल उकल तो ना देखम सन कि चाचा कह कि मौसा के हक के कर जाके डायरेक्ट दो चार गो पत्थर चली और आम टूटी। बाकी रोज सब लोग गांव के वीडियो देखे नहीं तो गांव देसी और सबके पसंद करनी तो वीडियो के ज़्यादा शेयर करी और कमेंट में अपन गांव खाती एगो प्यार जरूर लिखी। जय हिंद जय भारत।